इमेज प्रोसेसिंग के कुछ क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं। ब्राइटनेस, सब्जेक्टिव ब्राइटनेस और ब्राइटनेस एडेप्टेशन में क्या अंतर है, क्या होते हैं? सब्जेक्टिव ब्राइटनेस का मतलब यह होता है इंटेंसिटी जो ह्यूमन विजुअल सिस्टम यानी हमारी आईज परसीव करती है, एज परसीव्ड बाय द ह्यूमन विजुअल सिस्टम। जो ब्राइटनेस एडेप्टेशन होता है, जो ह्यूमन विजुअल सिस्टम है वो एक रेंज में ऑपरेट करता है। तो जैसे हमारी प्यूपिल होती है, वो जैसी बहुत सारी लाइट आती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कम लाइट को आने देती है। तो हमारी जो विजुअल सिस्टम है वो स्कोटोपिक से लेकर ग्लेयर लिमिट तक काम करती है और हर रेंज पे काम नहीं करती है। तो ये जो वेरिएशन है, जो अडेप्टेशन है, इसे हम कह रहे हैं ब्राइटनेस अडेप्टेशन। वेबर रेशियो क्या है? वेबर रेशियो का मतलब ये है डेल्टा आई बाय आई रेशियो, जो इंक्रीमेंट है इल्यूमिनेशन का, जो बैकग्राउंड इल्यूमिनेशन है उसका रेशियो, उसे हम वेबर रेशियो कहते हैं। डेल्टा बाय आई, इसमें जो रेशियो अगर ये कम है तो जो थोड़ा परसेंटेज है जिसमें चेंज ऑफ इंटेंसिटी हो रही है वो जरूरत है अगर आपको अच्छा ब्राइटनेस एडेप्टेशन चाहिए। यदि डेल्टा आई बाय आई लार्ज है तब ज्यादा परसेंटेज चाहिए चेंज इन इंटेंसिटी, ये जरूरत है। इसका मतलब पुअर एडेप्टेशन या पुअर ब्राइटनेस एडेप्टेशन है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। मैक बैंड इफेक्ट क्या होता है? मैक बैंड इफेक्ट, यहां पर मैक बैंड इफेक्ट उन स्ट्राइप्स को, इंटेंसिटी स्ट्राइप्स को कहा जा रहा है जो आपके इमेज में आती है। ये प्रिजर्व करती है ब्राइटनेस पैटर्न बाउंड्रीज पे भी, इसे हम कहते हैं मैक बैंड इफेक्ट। अगर मैं किसी और चीज का एग्जाम्पल लू, जैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स का एग्जाम्पल लू, तो उसमें अलग अलग टाइप की शेडिंग होती है, जैसे फ्लैट शेडिंग है, ग्रोव शेडिंग है, फॉर्म शेडिंग है। जैसे अगर आप पहली शेडिंग देखें, फ्लैट शेडिंग, उसमें क्या होता है कि जो पॉलीगन्स होते हैं अलग अलग, उनका एक सेंटर जो नॉर्मल निकाल के उसको पूरे को शेड कर दिया जाता है, इसको भी पूरा शेड कर दिया जाएगा, तो इसका कलर या इसकी शेडिंग अलग होगी, इसकी शेडिंग अलग होगी, तो आपको दोनों के बीच में डिफरेंस लगेगा। दो चार अगर ऐसे हो गए तो सबके बीच में एक लाइनें दिखे, इसे हम मैक बैंड इफेक्ट कहते हैं। साइमल्टेनियस कॉन्ट्रास्ट क्या है? जो रीजन रिजर्व्ड ब्राइटनेस है वो डिपेंड नहीं करती है इंटेंसिटी, बल्कि उसके बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करती है, केवल इंटेंसिटी बनी उसके बैकग्राउंड पे। तो जो सेंटर स्क्वायर है उनकी सेम इंटेंसिटी होती है, जबकि हमारी आंखों को वो डार्कर लगती है जबकि बैकग्राउंड लाइटर होता है, इसे हम साइमल्टेनियस कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। इल्यूमिनेशन और रिफ्लेक्टेंस क्या है? अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें जो ये जैसे पॉइंट सोर्स है जो इसे इल्यूमिनेट कर रहा है, तो जितना हमको इल्यूमिनेशन मिल रहा है इसे हम कहते हैं इल्यूमिनेशन। अब यहां पर आईज है हमारी आंखें, जितना हमें रिफ्लेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करके दे रहा है उसे हम रिफ्लेक्टेंस कहते हैं। तो इल्यूमिनेशन वो लाइट है, अमाउंट ऑफ लाइट जो इंसिडेंट है सीन पे या ऑब्जेक्ट पे, इसे हम आई एक्स वाई का दर्जा देते हैं। रिफ्लेक्टेंस वो अमाउंट ऑफ लाइट है, वो उतनी लाइट है जो रिफ्लेक्ट की जा रही है ऑब्जेक्ट द्वारा सीन में, जो हमें यहां मिलती है, इसे हम आर एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम एक चीज और बता देता हूं आपको, जो इमेज है आपकी एफ एक्स वाई, वो अल्टीमेटली क्या होती है? आई एक्स वाई और आर एक्स वाई का कॉम्बिनेशन, मल्टीप्लीकेशन। अब सैम्पलिंग और क्वांटिटाइजेशन बताइए। अगर आपके पास कोई सिग्नल है इस तरीके का, अगर इस सिग्नल में, क्योंकि एक एग्जाम्पल देता हूं लाइन, इसमें एक लाइन में कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं ना। तो इसी तरीके से ये एक आपका अगर एक इनपुट सिग्नल है, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, हम सारे पॉइंट्स नहीं ले पाएंगे। हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट वैल्यू निकाल देंगे, हम इसके सैंपल्स ले लेते हैं, हर किसी एक डिस्टेंस पे इसके सैंपल ले लेते हैं। जब हम सैंपल ले लेते हैं तो इसे हम कहते हैं सैंपलिंग। तो सैंपलिंग का मतलब ये होता है कि डिजिटाइजिंग जो कॉर्डिनेट वैल्यू है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि हम ये जो वैल्यूज आ रही हैं इनको कोई डिस्क्रीट इंटीजर वैल्यू दे देते हैं, यानी कि डिजिटाइज कर देते हैं इन एमबीटी वैल्यू को। फाइंड द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर 256x256 इमेज विद 32 रे लेंस। आपके पास 32 रे लेंस है और इमेज है 256x256। 32 रे लेंस है तो उसके लिए कितनी बिट लगेगी? 5 बिट। अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो 2^5 कितना हुआ? ये 2^5 है, तो ये 5 बिट लगी आपको 32 रे लेंस के लिए। तो कितने बिट्स लगेंगे? 256x256 है, साथ में इंटू 5 कर दीजिए नंबर ऑफ बिट्स, ये इतना आपको लगेगा 327680। एक्सप्रेशन लिखना है, राइट द एक्सप्रेशन टू फाइंड द नंबर ऑफ बिट्स टू स्टोर अ डिजिटल इमेज। बिल्कुल इसी तरीके से लिख देंगे, अगर आपकी m बाय n इमेज है तो
एम इंटू एन कर दीजिए और साथ में नंबर ऑफ बिट्स लगा दीजिए, जब मैं अभी भी इस क्वेश्चन किया, तो जो नंबर ऑफ बिट्स है हमें अगर ये पता करनी है, अगर डिजिटल इमेज को रखने में कितनी जगह लगेगी बिट्स में, तो अगर आप बाइट्स में देखना चाहते हैं तो उसको 8 से डिवाइड कर दीजिए, एम इंटू एन इंटू के, जो हमने यहाँ पर किया। अब अगला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय जूमिंग ऑफ डिजिटल इमेज। जूमिंग का मतलब क्या होता है? जूमिंग का मतलब दो तरीके से जूम होता है, या तो इमेज को बढ़ाना 2x 3x साइज में, या उसे कम करना 2x 1x 3x ऐसे करके कम करना, इसे हम कहते हैं जूमिंग। तो जूमिंग एक तरीके से हम इसको ओवर सैम्पलिंग समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम नए पिक्सल लोकेशन बनाते हैं और उसमें ग्रे लेवल असाइन करते हैं नए लोकेशन को, और अगर हम इसकी जूम कम कर रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं कि उसको अंडर सैम्पल कर सकते हैं। श्रिंकिंग, श्रिंकिंग का मतलब क्या होता है? श्रिंकिंग का मतलब है अंडर सैम्पलिंग। अगर हम श्रिंक करना चाहते हैं इमेज को तो हम क्या करेंगे, हर सेकंड रो को हर सेकंड कॉलम को हम हटा दें, तो उससे आपका श्रिंकिंग हो जाती है। नेबर्स क्या होते हैं पिक्सल के? नेबर देखिए, इसको मैं इस तरीके से समझाता हूँ, यहाँ पर थ्योरी तो दी हुई है, लेकिन एक पिक्सल मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर एक पिक्सल है आपका। अब इस पिक्सल के, ये एक पिक्सल पी है, इसके चार नेबर हुए, कौन से? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे दायां बाएं। तो इन इन नेबर्स को हम एन फोर नेबर्स कहते हैं, एन फोर। तो ये फोर नेबर्स होते हैं, दो हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल, ये आप आराम से बता सकते हैं, ये एक एक्स प्लस वन वाई होगा, एक एक्स माइनस वन वाई होगा, क्योंकि एक एक यूनिट आप ऊपर जा रहे हैं, एक यूनिट नीचे जा रहे हैं, एक यूनिट दाएं जा रहे हैं, एक यूनिट बाएं जा रहे हैं, तो एक्स बढ़ेगा एक्स कम होगा, वाई बढ़ेगा वाई कम होगा, इस तरीके से होगा। उसके अलावा आपके पास चार डायगनल में भी हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये आपके फोर डायगनल हो गए, इसको हम एन फोर पी कहते हैं, ये एन फोर हो गया, ये एन फोर पी हो गया। और इसके अलावा आपके इन सबको कंबाइन कर लें तो वो एन एट पी होते हैं, एन एट पी, ये सारे के सारे आठ पार्ट कंबाइन कर लें। तो कनेक्टिविटी क्या होती है? कनेक्टिविटी इसमें चार कनेक्टिविटी होती है, पी एट कनेक्टिविटी होती है, फोर कनेक्टिविटी होती है, यानी कि मैं फिर से बताता हूं आपको, चार कनेक्टिविटी किससे हुआ? अगर ये इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, तो ये चार कनेक्टिविटी होगी। अगर इससे भी है, इससे भी है, इससे भी है, इससे भी है, तो एट कनेक्टिविटी होगी। एम कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि कभी ये क्या होता है, इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, और ये इससे भी कनेक्टेड है, ये गलत हो गया, तो इसलिए हम ये वाली कनेक्टिविटी देखते हैं कि ये कनेक्टिविटी रिपीट ना हो जाए, इसके लिए मिक्सड कनेक्टिविटी होती है। पाथ क्या होता है? पाथ किसी भी पॉइंट पी एक्स वाई, जैसे यहां से अगर यहां तक एक पाथ है, यहां से यहां तक की कनेक्टिविटी, बेसिकली पाथ क्या है? कनेक्टिविटी है, जो हमने अभी भी कनेक्टिविटी पढ़ी। तो एक पिक्सल पी जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, कोई दूसरा पिक्सल क्यू है जिसकी कोऑर्डिनेट एक्स एस टी है, अगर उस वो वहां पर सीक्वेंस है अलग अलग डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट पिक्सल के थ्रू, आप यहां से पी से लेकर क्यू तक जा सकते हैं, जैसे यू गए अलग अलग तरीके हो सकते हैं, इसे हम कहते हैं पाथ। फॉर्मूला कैसे आप निकालेंगे डी फोर और डी एट डिस्टेंस का? तो डी फोर के लिए आप सिटी ब्लॉक डिस्टेंस कहते हैं इसको, इस ये इसे हम सिटी ब्लॉक डिस्टेंस कहते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, एक्स माइनस एस लेते हैं, उसका मॉड्यूलस मतलब, और यानी कि अगर पॉजिटिव साइन लेंगे और वाई माइनस टी करेंगे, एक्स को एस से, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स से माइनस कर देंगे, वाई कोऑर्डिनेट को वाई से माइनस कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, इसे हम सिटी ब्लॉक डिस्टेंस कहते हैं। अब डी एट डिस्टेंस निकालना है आपको, तो उसे हम चेस बोर्ड डिस्टेंस कहते हैं। वो कैसे निकालेंगे, ये जो एक्स माइनस एस आपने निकाला था और वाई माइनस टी निकाला था, इसका मैक्सिमम ले लेना आपको, ये आपका चेस बोर्ड डिस्टेंस होता है। ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन अगर कुछ इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन जो कोऑर्डिनेट्स को चेंज करेगा, कोऑर्डिनेट्स की पोजीशन को चेंज करेगा, जैसे एक बेसिक ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन देखें, उसमें ट्रांसलेशन है, स्केलिंग है, रोटेशन है, शियर भी होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है, ये सारे आपके ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ट्रांसलेशन और स्केलिंग क्या होती है? ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में ले जाना, यानी रीपोजिशनिंग करना आपका, और एक दूसरा स्केलिंग क्या होता है? स्केलिंग का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के साइज को स्केल करना, छोटा करना या फिर बड़ा करना, इसे हम कहते हैं, कोई एक फैक्टर लगता है इसमें जिसे हम स्केलिंग फैक्टर कहते हैं। ट्रांसलेशन में भी टी एक्स टी वाई टी जेड अगर तीन डायरेक्शन में ले रहे हैं तो फिर ट्रांसलेशन लगता है, इसे इमेज स्केलिंग और इमेज ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्म की जरूरत क्या है? ट्रांसफॉर्म की जरूरत इसलिए है
पहले समझिए कि हम जो इमेज है उसको मानते हैं कि वो स्पेशल डोमेन में, और जो सिग्नल्स होते हैं वो टाइम डोमेन में होते हैं। कई कई टाइम डोमेन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कई हम रिप्रेजेंट करते हैं आपकी किसमें, आपके स्पेशल इमेज को हम स्पेशल डोमेन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कई सारे जो फंक्शन हैं वो आपके स्पेशल डोमेन में अच्छे काम करते हैं, और कई सारे आपके ऑपरेशन हैं जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में काम करते हैं। तो इसीलिए आप एक जगह से एक डोमेन से दूसरे डोमेन में ले जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, मान लीजिए आपका सीसीडी अरे खराब हो गया सैटेलाइट का, आप सैटेलाइट पे जाके कैसे बदलेंगे उसको, वो तो आपका 800-900 किलोमीटर ऊपर है और अपनी उस पर आ चुका है, इसको मेंटेन कैसे करेंगे। जो ग्राउंड से कंट्रोल हो सकता है वो तो कर लेंगे, लेकिन उधर जाके तो चेंज नहीं कर सकते। तो अगर मान लीजिए कोई सीसीडी अरे खराब हो गया और बाई बार लाइन आ रही है और करोड़ों रुपये लगा है सैटेलाइट को भेजने, फिर जो लाइन आ रही है इसको कैसे हटाएंगे, इमेज को लेंगे उसको फूरियर ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, इसका FFT लगाएंगे। तो ये क्या होगा, FFT में इसकी ये जो लाइन आ रही है इसकी एक फ्रीक्वेंसी आ जाएगी अलग से, वो ऐसे पॉइंट फ्रीक्वेंसी होती है, एक पॉइंट की तरह दिखाई देगा, बस उसमें फिल्टर लगा दीजिए और आपकी ये लाइनें हट जाएंगी, आपका इमेज क्लियर। ल्यूमिनेंस क्या होता है, ल्यूमिनेंस जो हम ल्यूमन में मेजर करते हैं, ये एक मेजर बताता है, इट गिव्स अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी एज ऑब्जर्वर परसीव फ्रॉम अ लाइट सोर्स। ल्यूमिनेंस का मतलब ये है कि जो लाइट सोर्स से एक ऑब्जर्वर परसीव करता है उसको मिल रही है वो अलग, लेकिन जो परसीव कर रहा है उसे हम ल्यूमिनेंस कहते हैं। इमेज ट्रांसफॉर्म क्या होता है, अभी हमने देखा। अब अगर आप देखें कि एक इमेज है जिसको हम डिस्क्रीट सेट ऑफ बेसिस अरे मान लें, उसे हम बेसिस इमेज कहेंगे, जो बेसिस इमेज है उसको हम जनरेट कर सकते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स से, या इसको इस तरीके से समझे कि एक n बाय n इमेज को इस तरीके से व्यू कर सकते हैं कि n बाय n और 1, यानी कि हम बेसिस वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं इमेज को। ये आपका इमेज है, हम इसको इस तरीके से मानते हैं कि ये एक जो पार्टीशन है, जो भी पार्टीशन दे रहे हैं इसका हम बेसिस इमेज निकालेंगे, यानी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर का कोई फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन निकालें, चाहे हम कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालें, चाहे हम आपके फास्ट फॉरियर ट्रांसफॉर्म निकालें, हैडमर्ड वॉल्श जो भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो हम बेसिस इमेज निकाल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इसको। तो ये हमने कुछ और क्वेश्चन लिए अपने इमेज प्रोसेसिंग के, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।